आइए देखते हैं तुम अपने क्लास 11 का मैथ्स है। टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन दिया है और सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू बाई रूट थ्री दिया है। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है और एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे टेन और सेक दे, कुछ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दे देगा और यहाँ पे नंबर में दे देगा, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू देगा, दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखेंगे। इसके पहले एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि दो चीजों का अगर ऐड करेंगे सम तो वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डिफरेंस। ठीक है, दो चीजों को अगर ऐड किया जाए अल्फा प्लस बीटा तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि दो चीजों को ऐड करेंगे तो डिफरेंस से ज्यादा आना चाहिए, डिफरेंस से ज्यादा आना चाहिए। मान लो अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 5 है, बीटा का वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2 तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, और ये कितना हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखने को मिला कि अगर एडिशन हो तो वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, सब्ट्रैक्शन हो तो वैल्यू हमेशा कम होता है। तो ये चीज जानना है, ये इसमें अप्लीकेबल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, प्लस वाले को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू बाई रूट थ्री, तो यहाँ पे हो गया सेक अल्फा प्लस बीटा टू बाई रूट थ्री। तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू टू बाई रूट थ्री होता है, जैसे कॉस 30 का होता है, कॉस 30 का होता है रूट, इधर देखो बोलना नहीं, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, तो उसका उल्टा कर देंगे, जैसे 30 का होता है 2 बाई रूट 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सिखाया गया है कि ऑल साइन टेन कॉस, कॉस का मतलब सेक, तो सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में लेना पड़ेगा, लेकिन अगर फोर्थ में लेते हैं तो 270 से ज्यादा 350 से कम वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको डिसाइड करना है कि हम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लें कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला अगर वैल्यू लेंगे तो इसी के बीच में आएगा ना, अगर किसमें लेंगे तो किसके किसके बीच में आएगा, 270 और 360 के बीच में, तो दोनों में ज्यादा कौन आएगा, फर्स्ट वाला कि फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। अब तुम बोलोगे कि फोर्थ वाला क्यों लेंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि जब भी एडिशन होता है तो वैल्यू ज्यादा होता है, एडिशन होता है तो वैल्यू ज्यादा होता है, तो वैल्यू ज्यादा होता है। तो अभी हम डिसाइड करेंगे, फर्स्ट में खड़े हैं तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, अगर हम फोर्थ में जाएंगे तो इसके बीच में होगा, तो ज्यादा वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट में कि फोर्थ में, फोर्थ में वैल्यू ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा क्यों लेना है, क्योंकि क्या है, एडिशन है, जब दो नंबर का एडिशन होता है तो वैल्यू बढ़ जाता है, और वही दो नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है तो वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा सेक, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे जाना है फोर्थ में जाना है, तो कैसे जाएंगे, उसका तरीका होता है 4 × 90 डिग्री, 4 × 90 मतलब कहाँ चले गए, 90 90 90 90 इसमें चले गए, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, और सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 3/2, लेकिन हम इसी क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, तो हम इसी क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब तुम बोलोगे माइनस क्यों लिखे, प्लस क्यों नहीं लिखे, अगर हम प्लस लिखेंगे तो इसमें चले जाएंगे, अब माइनस रहेगा तो इसी में रहेंगे, तो इसके लिए हमने माइनस लिखा, राइट। अब कितना डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, तो 2/√3 का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, ये देख लेंगे बुक से, याद भी है, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बाई आइडेंटिटी सेम है, ये कैंसिल हो गया, काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसको पूरा उतार देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया 330 डिग्री। ठीक है, 330 डिग्री, 330, कितना तक क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी प्लस में रहेगा तो वैल्यू ज्यादा लेंगे और उसका ओरिजिनल क्वाड्रेंट देखेंगे, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं लेकिन वहाँ एंगल, हमको एंगल का वैल्यू कम मिलेगा, लेकिन अगर हम फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, कॉस मतलब सेक एक ही,
तो इसमें मेरे को वैल्यू ज्यादा मिलेगा, तो प्लस वाला हमेशा ज्यादा मिल जाएंगे और माइनस वाला हमेशा कम मिल जाएंगे। तो ये मेरे को एक मिल गया। अब दूसरा वाला उतारेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है 1। तो ये माइनस वाला है, इसमें वैल्यू कम लेना कि ज्यादा लेना है? कम लेना, वेरी गुड, कम लेना है। तो कम वाला रूल बोलता है ऑल साइन टेन कॉस, तो सबसे कम वैल्यू एंगल वाला किसमें होता है? फर्स्ट में। इसमें जाओगे और बढ़ जाएगा, इसमें जाओगे और बढ़ जाएगा, इसमें और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो वैल्यू कम वाला लेना है कि ज्यादा वाला लेना है? अब सबको देखना है टेन दो जगह पॉजिटिव होता है, एक इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन टेन। तो टेन यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें वैल्यू कम है, इसमें वैल्यू ज्यादा है। तो किसमें लेना है, कम वाला या ज्यादा वाला? कम वाला लेना है। क्यों कम वाला लेना है? वेरी गुड, ठीक है। अब यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का रेंज कितना है? 0 to 90 degree। तो अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि ये टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan 45 degree, ठीक है। tan tan अभी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और 45 degree, तो tan tan कट गया, ये 45 degree हो गया। इक्वेशन 2 यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब जैसे हम लोग क्लास 19 में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हैं x और y का वैल्यू निकालना, उसी तरह इसको सॉल्व करके निकालेंगे। अभी बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 330 degree और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 degree, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऐड लिखते हैं, अगर ऐड लिखते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। तो ऐड लिखे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कट जाएगा। अल्फा अल्फा कितना होगा? 2 अल्फा, और इसको ऐड कर देंगे 375, ठीक है। देयरफोर अल्फा इक्वल टू 375 degree बाय 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 8 16 2 7 14 1 2, ऐसे भी लिखे तब भी राइट है, ऐसे लिखे तब भी राइट है। तो यहाँ तक क्लियर है, अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये लाइन कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1। हम 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम 1 में रखें तो तुम भी 1 में ही रखो, तुम्हारा मन करे तो 2 में भी रख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे, ये रहा 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 330 degree। तो अल्फा का वैल्यू आ गया है कितना, ये वाला रखेंगे थोड़ा आराम रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 375/2 प्लस बीटा इक्वल टू 330 degree, राइट। अब हम इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भेज दिए, देयरफोर बीटा इक्वल टू 375 degree डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम क्या होगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 0, राइट, 2 से 2 से डिवाइड किए 1, 1 में इसे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, जो लोअर क्लास में होता पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, यहाँ से बीटा का वैल्यू मिलेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 5 15 15 में से 7 गया 1 या 5, 5 में से 3 गया 2 बाई 2, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 बाई 2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू ये रहा, बीटा का वैल्यू ये रहा, क्लियर है। इसमें कोई डाउट है, कोई पूछना है, तो इसमें दो चीज याद रखना कि प्लस वाला जो होगा हमेशा ज्यादा वैल्यू लेना, जिस क्वाड्रेंट में ज्यादा पड़ेगा वही लेना, अगर माइनस रहेगा तो जिस क्वाड्रेंट में कम पड़ेगा, कम माने फर्स्ट वाला, कम माने फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे आराम से, अल्फा और बीटा निकल जाएगा, क्लियर है। ओके, थैंक यू, राइट डाउन।